डब्ल्यूएचओ नाम का सिर्फ चीन के काम का। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बस 30 दिन का वक्त दिया है ट्रंप ने, इसके बाद होगी आर पार की लड़ाई। ट्रंप ने 4 पेज की चिट्ठी में डब्ल्यूएचओ के सारे गुनाहों की पोल खोल कर रख दी है। एक एक गुनाह का हिसाब मांगते हुए ट्रंप ने कहा है कि या तो सुधर जाओ वरना हमेशा हमेशा के लिए हम पैसे का कर देंगे मोहताज। जी हाँ, बस 30 दिन की मोहलत दी है ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ की। अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है ट्रंप ने, अगर 30 दिन में ना सुधरा डब्ल्यूएचओ तो ट्रंप कर देंगे उसकी हालत खराब। चीन का दोस्त और दुनिया भर की सेहत की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने का ड्रामा करने वाले डब्ल्यूएचओ की खुद की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आपको याद ही होगा जब कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को इस साल का फंड देने पर रोक लगा दी थी। डब्ल्यूएचओ को लगा होगा कि कुछ दिन में अमेरिका शांत हो जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका की चिंगारी अब आग बनकर और भड़क गई है। अभी डब्ल्यूएचओ के खिलाफ दुनिया भर के 116 देशों के मोर्चा खोलने के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अमेरिका ने दे डाली है सबसे बड़ी धमकी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप की वो चिट्ठी जो उन्होंने डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रेयेसस को लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने अब तक की सारी भड़ास निकाल दी है और एक एक करके हिसाब मांगा है। इस खत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है, अगर अगले 30 दिनों में विश्व स्वास्थ्य संगठन सुधार नहीं करता तो मैं अस्थायी तौर पर बंद की गई फंडिंग को अस्थायी तौर पर बंद कर दूंगा और इस संगठन में अपनी सदस्यता पर पुनर्विचार करूंगा। मैं अमेरिका के लोगों का टैक्स का पैसा इस संगठन के फंड के लिए जारी रखने की इजाजत नहीं दे सकता। ट्रंप और डब्ल्यूएचओ के बीच एक लंबा तकरार चला है। ट्रंप ने लगातार डब्ल्यूएचओ से ये कहा है कि अगर अमेरिका सबसे अधिक फंड देता है तो क्यों चीन की गुलामी के तौर पर डब्ल्यूएचओ के एक्शंस को देखा जा रहा है। उन्होंने इस बार बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है डीजी को और ये कहा है कि 30 दिन के भीतर उन्हें एक्शन चाहिए वरना वो हमेशा हमेशा के लिए डब्ल्यूएचओ को दी जा रही फंडिंग बंद कर देंगे। अमेरिका लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस के मामले में घोर लापरवाही बरती है और पूरी तरह से चीन का पक्ष लिया है। इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप ने इस चिट्ठी में डब्ल्यूएचओ पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। दिसंबर 2019 में वुहान से कोरोना वायरस को लेकर जो भी रिपोर्ट्स आई उनको नजरअंदाज किया गया, यहाँ तक कि डब्ल्यूएचओ ने ऐसी तमाम रिपोर्ट्स की स्वतंत्र तौर पर जांच भी नहीं की। ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को चीन की तरफदारी करने के लिए जमकर लताड़ा है। ट्रंप ने लिखा, डब्ल्यूएचओ ने घरेलू यात्राएं बैन करने के चीन के फैसले की तारीफ तो की, लेकिन अमेरिका की सीमाएं सील करने की मेरी अपील पर ध्यान तक नहीं दिया। वो तो मैंने खुद तुम्हारी राय के खिलाफ जाकर यात्राएं बंद कराई। इतना ही नहीं, डब्ल्यूएचओ ने कोरोना को 11 मार्च 2020 को महामारी घोषित की। तब तक 114 देशों में ये फैल चुका था और 4000 लोग मर चुके थे जबकि 1,00,000 लोग संक्रमित हो चुके थे। ये चिट्ठी लिखने के बाद व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने डब्ल्यूएचओ को लताड़ने में फिर कोई कसर नहीं छोड़ी। I chose not to make a statement today. I'll be giving them a statement sometime in the near future, but I chose not to give a statement. I think they've done a very sad job in the last period of time. And again, the United States pays them $450 million a year. China pays them $38 million a year. And they're a puppet of China. दरअसल कोरोना वायरस ने सबसे बुरा हाल अमेरिका का ही किया है। यहाँ अब तक 15.5 लाख से अधिक लोग चपेट में आ चुके हैं जबकि 91,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रंप अब इसी का सारा गुस्सा डब्ल्यूएचओ पर उतार रहे हैं और बारी अब सबसे बड़ा बदला लेने तक की आ गई है। आज तक ब्यूरो। कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ रहे अमेरिका से एक गुड न्यूज ये है कि वहां की एक कंपनी वैक्सीन बनाने की ओर तेजी से आगे बढ़ गई है। मॉडर्ना पहली दवा कंपनी है जिसने अपने आरएनए आधारित वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया है और जल्द ही उसकी तैयारी तीसरे चरण में प्रवेश कर जाएगी।
दुनिया को मिल गई कोरोना की दवा। क्या अमेरिका ने तैयार कर ली कोरोना वैक्सीन? क्या अब खत्म हो जाएगा कोरोना का कहर? कोरोना से 48 लाख से ज्यादा संक्रमित और 3 लाख से ज्यादा मौतों ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा रखा है। चीन के वुहान से निकली इस बीमारी ने सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका में मचाई है। ऐसे में सुपर पावर अमेरिका कोरोना को हराने के लिए दिन रात एक किए हुए है। इस बीच अमेरिका से एक अच्छी खबर आई है। अमेरिका की दवा कंपनी मोडर्ना ने दावा किया है कि वो जल्द ही कोरोना की वैक्सीन तैयार करने वाले हैं। दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से जुड़े तमाम रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन इसके सबसे करीब अगर कोई है तो अमेरिका की कंपनी मोडर्ना। इसने जुलाई में अपने तीसरे चरण के ट्रायल्स की बात कही है। वैसे भी ट्रंप पहले ही ये उम्मीद जता चुके थे कि इसी साल एक वैक्सीन कोरोना का आ जाएगा। कंपनी के मुताबिक ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती नतीजे सकारात्मक आने के बाद जुलाई में वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण शुरू होगा। अगर तीसरा चरण सफल रहा तो कंपनी वैक्सीन बनाने का लाइसेंस हासिल करने के लिए अप्लाई कर सकेगी। मोडर्ना पहली दवा कंपनी है जिसने अपनी आरएनए आधारित वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया है। We can indeed, with this vaccine, induce an immune response in everybody that received the vaccine, and that immune response generates the kind of antibodies that one would hope to generate, antibodies that can neutralize the virus, and that we can get to levels of antibodies that are those seen in people who've been infected with SARS-CoV-2, or in fact, even exceed those levels. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अध्ययन से शुरुआती परिणाम में दिखा कि जिन लोगों ने दवा का इस्तेमाल किया उनके रक्त के नमूनों में एंटीबॉडी का स्तर उन लोगों के बराबर ही मिला जो कोविड 19 से संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हो गए हैं। लोगों को वैक्सीन की तीन अलग अलग खुराक दी गई और मोडर्ना ने दावा किया कि इन खुराकों के आधार पर शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बढ़ोतरी देखी गई। This is not going to be an expensive vaccine. It's going to be a single dose vaccine. It's going to be made for global supply, and it's going to be made in many different locations. And that was always our plan. इससे पहले भी अमेरिका कोरोना के खिलाफ कई दवाइयों का इस्तेमाल कर चुका है। अमेरिकी सरकार ने इबोला की दवा रेमडेसिविर को भी हरी झंडी दी थी, जिसके टेस्ट कोरोना के खिलाफ काफी प्रभावी दिखाई दिए थे। वहीं अमेरिका मलेरिया की दवा का इस्तेमाल भी कोरोना के खिलाफ जंग में कर रहा है। अमेरिका में कोरोना से 15 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 91,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में कोरोना का इलाज ढूंढने में जुटे ट्रंप के लिए ये वैक्सीन अच्छी खबर लेकर आई है, जो न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ी उम्मीद बनी है। आज तक ब्यूरो। वैसे दवा के इस होड़ में चीन भी तेजी से दौड़ रहा है। पिछले 3 महीने से वैक्सीन बनाने में जुटे चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि साल के आखिर तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी। वहीं चीन की एक यूनिवर्सिटी के मुताबिक उसकी दवा कोरोना से रिकवरी का वक्त ही कम कर देगी, जिससे वैक्सीन की जरूरत नहीं होगी। वैक्सीन की जंग में दो महाशक्तियों में मची होड़, कोरोना को मात देने के लिए अमेरिका और चीन की दौड़। एक अनदेखा अनचाहा वायरस पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। चीन से निकले वायरस ने हर देश में अपना कहर बरपाया और लाखों लोग अपनी जान गंवा बैठे। अब हर कोई इसका तोड़ बनाने में जुटा है, यानी तैयारी हो रही है वैक्सीन लाने की। महामारी से निपटने की यह तैयारी किसी महाभारत से कम नहीं है। दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां अमेरिका और चीन के अपने अपने दावे हैं। अमेरिका का दावा तो आपने देखा, अब चीन का दावा सुनिए। चीन ने तो दावा कर दिया है कि वो एक ऐसी दवा विकसित कर रहा है जो कोरोना से रिकवरी का वक्त बेहद कम कर देता है और फिलहाल वैक्सीन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस दवा से कोरोना महामारी को आसानी से रोका जा सकेगा, साथ ही ये शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी का भी काम कर सकती है। चीन की जानी मानी पेकिंग यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक इस दवा पर काम कर रहे हैं।
यूनिवर्सिटी के बीजिंग एडवांस इनोवेशन सेंटर फॉर जियोनॉटिक्स के निदेशक सन्नेशी के मुताबिक इस दवा का जानवरों पर परीक्षण सफल रहा है। जब हमने एक संक्रमित चूहे के अंदर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी इंजेक्ट किया तो 5 दिन बाद वायरल लोड 2500 कारक कम हो गए थे। इसका मतलब है कि संभावित दवा का चिकित्सकीय प्रभाव हुआ है। हमारी टीम इस एंटीबॉडी की खोज के लिए दिन रात काम कर रही थी। हमें उम्मीद है कि ये दवा इस साल के आखिर तक तैयार हो जाएगी। दरअसल वैक्सीन की जंग का आगाज भी चीन ने ही किया था। चीन पहला ऐसा देश था जो कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के दूसरे दौर में सबसे पहले पहुंचा था। चीनी फार्मा कंपनी कैंसिनो बायो वैक्सीन बनाने में जुटी हुई है। इस प्रोजेक्ट में चीनी सेना की सैन्य चिकित्सा विज्ञान अकादमी भी शामिल है। वैक्सीन प्रोजेक्ट का पहला चरण मार्च में ही पूरा हो चुका था, जबकि पिछले महीने कंपनी वैक्सीन के ट्रायल के दूसरे चरण में थी। अब वो तीसरे चरण की ओर बढ़ चुकी है। चीन में जिन लोगों पर इसका ट्रायल किया गया था वो 14 दिनों तक क्वारंटीन में रहने के बाद घर भेज दिए गए थे। ये सभी 14 लोग अगले 6 महीने तक घर पर ही मेडिकल निगरानी में हैं। अगले 6 महीने तक कोरोना वायरस संक्रमण होने पर इनके शरीर की प्रतिक्रिया देखी जाएगी। जैसे ही लोगों के शरीर में कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता विकसित हो जाएगी, यानी उनके शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगा, उनके खून का सैंपल लेकर वैक्सीन को बाजार में उतार दिया जाएगा। हालांकि बाजार में चीन का वैक्सीन कितना उतर पाएगा ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वहां वैक्सीन प्रोजेक्ट का काम चीन की सेना के हाथ में है। आज तक ब्यूरो। चीन अमेरिका के अलावा कोरोना के प्रहार से करा रहे दूसरे देश भी वैक्सीन की खोज में लगे हुए हैं। इसराइल ने जहां वैक्सीन बना लेने का दावा किया है, वहीं इटली ने भी टीका विकसित करने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त दुनिया भर की कंपनियां और इंस्टीट्यूट की अग्नि परीक्षा का दौर है, जो कोरोना की दवा की रेस में एक दूसरे से मुकाबला कर रही है। कोई कोरोना की दवा तैयार करने का दावा कर रहा है तो कोई कोरोना की वैक्सीन बनाने का, क्योंकि इस वक्त कोरोना से बड़ा संकट दुनिया में कोई नहीं है। इसराइल ने दावा किया है कि उसने कोरोना को मात देने वाला वैक्सीन ढूंढ लिया है। इसराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट का कहना है कि देश के मुख्य जैविक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लिए एक एंटीबॉडी विकसित करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है, जिसे पेटेंट करने की तैयारी चल रही है, जिसके बाद इसका कमर्शियल उत्पादन शुरू होगा। इसराइल के दावे के मुताबिक वैक्सीन शरीर के अंदर ही कोरोना वायरस को खत्म करने में सक्षम है। ये वैक्सीन वायरस को शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलने से रोकती है। इसराइल के डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में कोरोना वायरस का टीका बनाए जाने की बात कही गई है। इसराइल का ये डिफेंस बायोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जैविक और रासायनिक हथियारों को बनाने के लिए जाना जाता है। ये दक्षिणी तेल अवीव से 20 किलोमीटर की दूरी पर नेस जियोना में मौजूद है। दावा है कि ये लैब जमीन के काफी अंदर मौजूद है और यहाँ जो खतरनाक जहर और वायरस बनाए जाते हैं उनका इस्तेमाल इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद अपने दुश्मनों को मारने के लिए करती है। अब इस लैब से दुनिया को बचाने की उम्मीद निकली है। उधर कोरोना से होने वाली मौत से टूट चुका इटली भी अब कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा कर रहा है। इटली ने दावा किया है कि कोविड-19 की पहली वैक्सीन उन्होंने तैयार कर ली है। इस वैक्सीन को रोम में एक हॉस्पिटल में टेस्ट किया गया है। कहा जा रहा है कि ये टेस्टिंग के काफी आगे के स्टेज पर पहुंच चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे इंसानों के सेल्स पर भी टेस्ट किया गया है। एक टीके के बाद चूहों की एंटीबॉडी से विकसित ये वैक्सीन मानव कोशिकाओं में संक्रमण को रोकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी वैक्सीन पर काम कर रही है। इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल के फेज 1 की शुरुआत कर हो चुकी है। इसमें 2 लोगों पर इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है। इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट ने 3 महीने में तैयार किया है। इसमें चिंपांजीज में इन्फेक्शन करने वाले आम कोल्ड वायरस के भाग का इस्तेमाल किया गया है। ये वैक्सीन काम करे इसके लिए वैज्ञानिकों ने फिलहाल मौजूद कोरोना वायरस के जेनेटिक मटेरियल को वायरस में मिलाया है। ऐसे में हर देश कोरोना की जंग को जीतने के लिए नए नए प्रयोग कर रहा है। अमेरिका और तुर्की मलेरिया की दवाई के इस्तेमाल को मंजूरी दे चुके हैं। वहीं भारत जैसे कई देश प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रयोगों का दौर जारी है, बस इंतजार है
कोरोना के इलाज का, ताकि इस महामारी का अंत किया जा सके। आज तक ब्यूरो। तो आज विशेष में आपने देखा किस तरह चीन की तरफदारी करने पर WHO दुनिया के कई देशों के निशाने पर है, तो वहीं दुनिया भर के देश जुट गए हैं वैक्सीन बनाने में, ताकि जल्द से जल्द कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सके। विशेष में इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।